ना, मैं उसमें पागल बना था, छोटा सा ही रोल था, पागल बना था। और ये शादी हो गई या नहीं हुई है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं आप बताइए कि आपको, मतलब मैं लगता हूँ शादी वाला अभी? अभी मैंने इनका इंटरव्यू ले रहा था तो मेरा ध्यान पहले ही गया था इस पोस्टर पे जो अभी लगा हुआ है, मैंने इसके बारे में नहीं पूछ पाया। लेकिन मैं अभी इनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है इसके बारे में बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक अभी तक गया इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं इस पोस्टर के बारे में। जी मैं बॉम्बे में था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रखी है और वहाँ पे मैं इस टारगेट से ही गया था कि कुछ अच्छा अचीवमेंट करेंगे, अगर एक्टिंग वगैरह भी सीखेंगे, थिएटर करेंगे थोड़ा बहुत किया। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं मिस्टर विक्रम अग्रवाल, उन्होंने वो मुझे हमेशा इस चीज़ों के लिए पुश करते रहे कि जो तुम्हारे अंदर है वो करो, जो तुम्हें पसंद हो वो करो और जो कुछ भी करो उसको इन्जॉय करो जी, पैशन बना के रहो। तो मैं अपने स्कूल डेज से, मैं यहाँ सेंट जोसेफ का गोरखपुर में सेंट जोसेफ खोराबार का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे भी मैं बचपन से काफ़ी एथलेटिक रहा हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। अभी जब ये मैं बोलूँगा, अगर इसको पोस्ट करूँगा तो जो मेरे दोस्त यार तुरंत समझ जाएंगे कि मैं बहुत पीछे गया हूँ। उस टाइम भी मैं चैम्पियन रहा हूँ, अपने स्कूल का बेस्ट स्पोर्ट्स बॉय का अवार्ड पाया हूँ और उस टाइम से मेरे अंदर एक पैशन रहा है कि एक्टिंग करना है, ये करना है। तो बॉम्बे में मैं गया था तो मेरे जीजू ने मुझे पुश किया 2016 में, मैं टेक गुरु का एक शो किया और उस टाइम में बस मुझे वो बोल रखे थे कि ये चांस मिला है इसको अच्छे से करना। मैं उसमें पागल बना था, छोटा सा ये रोल था, पागल बना था और मुझे उस दिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैं एक थिएटर ज्वाइन कर लिया, थिएटर में थोड़ा ही टाइम मैंने बिताया मगर मैं थिएटर में कोशिश ये कर रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। मैं पकड़ लिया थिएटर में कि जो आपके अंदर है, प्रैक्टिस इज ओके बट आप किसी कैरेक्टर को अपने अंदर बैठा लेंगे ना और आप बातें कर रहे हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मगर अगर मेरे मन में वो कैरेक्टर चल रहा होगा ना तो जब हम एग्जामिन करेंगे, जब हम सीधे कैमरे पे आएंगे तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा जी, जी। तो ये हुआ तो फिर मैं जब और फिर मैं गोरखपुर 2018 में आया था छुट्टियों में बट कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के चक्कर में मैं यहीं फंस गया। तो मैंने कहा चलो यहीं रहते हैं। तो हमारे पहले सिंगर जो है मिस्टर ठाकुर शिवेंद्रम, वो मुझे मिले, वो बहुत अच्छे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। वो मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको लेकर एक म्यूज़िक एल्बम करना है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे म्यूज़िक एल्बम तो कभी किया नहीं हूँ, बट उसने कहा कि आप कर लेंगे, आप करिए। तो 2018 में मैंने ये तू है कहाँ जिस ये हमारा सॉन्ग आया था जी। तू है कहाँ, यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2019 में मैंने ये तू माने आना किया, उसके बाद मुझे मौका मिला वाइगा का, वाइगा ये ब्रांड एक कपड़े का ब्रांड है, उसका मैंने शो स्टार्ट किया। फिर काम कर प्यारे मैंने स्वर्धा बैंड के लिए किया, फिर ये टूटिया दिल है स्वर्धा बैंड का ही प्रोजेक्ट है, ये भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद मैंने ये कल्ले किया, यमराज मिश्रा का सॉन्ग था। उसके बाद हमारे अमित भाई आ गए, जय हो गोरखनाथ, उसके बाद मैंने किया हौसले किया। फिर अभी सत्यम सम्राट जी का, जिसका भी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, मेरे यार से मिला थे जो जी म्यूज़िक कंपनी से आया है, वो किया। उसके बाद हमने अभी हमरे भोलेनाथ किया और अभी एक शूट हम कर चुके हैं सौंदर्य सिंगल का, उसके बाद दो तीन सिंगर्स के साथ और लाइनअप पे। कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, जितना हो सकता है बढ़िया, प्रोफेशनली वे में एक डेकोरम मेंटेन करके बढ़िया से करने की कोशिश है और लगे हुए हैं कि अच्छा रिजल्ट मिल जाए, कुछ मुकाम तक पहुँच जाएँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ने की कोशिश करूँगा। और हाँ, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसके सिवा मैं अपना बिजनेस भी चालू करूँगा जल्दी कि एक बैकअप बना के हमेशा चलूँ, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते। ये तो मेरा पैशन है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और बिजनेस भी मेरा पैशन है, तो जल्दी मैं एक बिजनेस में भी उतरूँगा। एक बिजनेस में स्टार्ट करने वाला था, जैसा कि मैं बोलना ही चाहता हूँ सबको कि यह टेलीकास्ट हो ही जाएगा, कि मैं उसमें फंस गया हूँ और वो मेरे कुछ परिवार के लोग हैं और कुछ फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली मिलकर सब फ्रॉड कर गई है मेरे साथ। तो हम जल्दी उस केस को जीत जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, बट हम दूसरा बिजनेस भी मैं प्लान कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस माई अपार्ट फ्रॉम इस मेरे पैशन के अलावा। हाँ, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि अभी जैसे मेरे मतलब जो ऑडियंस है वो ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपकी शादी हो गई या नहीं हुई है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप बताइए कि आपको, मतलब मैं लगता हूँ शादी वाला अभी? आप बताइए उन लोगों को, पहले आप पहले उनसे ये अच्छा, बताइए आप मुझे बताइए मैं क्या शादी वाला लगता हूँ? लेकिन नहीं 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 लगते आप, तो मेरा हो गया है अच्छा, तो आप बताइए।
नहीं मेरी शादी हुई नहीं है अभी जी, और मैं ऐसा भी नहीं है कि शादी के लिए अभी कोई प्लान कर रहा हूँ, बट हाँ और ये भी है कि सिंगल ही हूँ बहुत टाइम से जी। अब कोई रीज़न होगा इस वजह से सिंगल हूँ, और मुझे बहुत अगर अगर आप पूछें ये भी पूछना चाहते हैं क्या कि पसंद कैसे हैं जी जी। पसंद क्या है, बहुत सिंपल एंड सुबर मुझे लोग पसंद है। अब मैं ऐसा दिखता हूँ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ, बहुत एटीट्यूड वाला हूँ, बदतमीज़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझसे मिल लेते हैं तो फिर वो जान जाते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, और मैं बहुत सिंपल एंड सोबर हूँ, थोड़ा बहुत मस्ती तो सब लोग करते हैं। ऐसे कहा जाए कि एक समुद्री है, समुद्र में अगर एक नाला जाए कुछ भी नहर चली जाए तो उसमें समाहित हो जाती है, वही आपसे अगर आपसे कोई मिल ले तो कहीं ना कहीं आपके अंदर। ऐसे आप मुझे जज नहीं कर सकते, आपको मुझसे इसके लिए मिलना पड़ेगा। हाँ, और मेरे लाइफ में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको मैं डिसिप्लिन है उसको जरूर फॉलो करता हूँ। जैसे कि आप लोग आए हैं, मैं आपके साथ मॉर्निंग से हूँ यहाँ पे, आपने थोड़े बहुत अगर ऑब्जर्व किया होगा मुझे तो फील किया होगा आपने कि इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शक कहना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष से मैं कहना चाहूँगा कि इनको सपोर्ट कीजिए और इनकी तरक्की में आप भी साथ दीजिए ताकि ये अपने चार चांद लगाएं तरक्की के लिए। धन्यवाद।